तो स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पिछले एक साल में -20% के रिटर्न दिए। तो इसने 20% मनी इन्वेस्टर का लॉस कर दिया है। अभी टीवी में ऐड आती है, इस फंड ने इतना रिटर्न दिया, इस फंड ने इतना रिटर्न दिया, तो ये फंड माइनस में भी लेके जाते हैं आपका पैसा। तो आप देख सकते हैं, इस फंड का नाम है एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसने एक साल में -20% का रिटर्न दिया है। तो अगर लॉन्ग टर्म खेलोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, और ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना। इस फंड का साइज है 1964 करोड़, और इसमें मिनिमम SIP कर सकते हैं आप 500 रुपीज़ से। अगर आप इसमें मंथली 5,000 की SIP करते तो एक साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती 60,000, और आपका पैसा हो जाता 52,000। -13% के रिटर्न दिए इसने, और मंथली 5,000 इन्वेस्ट करते 3 ईयर तो इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए 18% की। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती 1,80,000, और उस अमाउंट पूरी अमाउंट बन जाती है आपकी 2,14,028 रुपीज़। तो इसने लॉन्ग 3 साल में रिटर्न बनाया। अगर वन टाइम इसमें आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता एक साल के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए, तो 20% डाउन कर दिया इसने आपका पैसा, 1 लाख को 80,000 में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इक्विटी में ही आपका पैसा रिटर्न माइनस में मिलते, आपको म्यूचुअल फंड भी रिटर्न माइनस में देख सकता है। क्योंकि अगर इन्होंने जो शेयर पिक किए ये इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर वो शेयर डाउन आते तो ऑटोमेटिकली आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू डाउन हो ही जाएगी। वन टाइम इसमें आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता 3 साल के लिए, तो इसने 80% के रिटर्न दिए। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, और 3 साल बाद आपको मिलेगा 1,80,000। तो 80% का रिटर्न दिया है इसने 3 साल में। तो आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म खेलोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। तो सोच समझ के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना आप। अगर वन टाइम आपने 1 लाख फाइव ईयर के लिए इन्वेस्ट किया रहता तो ये पॉजिटिव 129% के रिटर्न दे रहा है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, और आपको 5 साल बाद मिल जाते 2,29,358 रुपीज़। तो 130% का रिटर्न दिया है इसने। और अगर 5 साल आप बैंक में रखोगे तो 5 साल के लिए तो कुछ नहीं है, अभी 8 ईयर रखना पड़ेगा तो आपको पैसा 100% रिटर्न मिलेगा। मीन्स अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 2 लाख मिल जाएगी वो 8 साल बाद। यहाँ 5 साल बाद 130% की रिटर्न मिल चुकी है आपको। इसकी रिटर्न रैंकिंग देखते हैं आप। एक साल में इसने -20% का रिटर्न दिया है, 3 साल में +21% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में CAGR से 18% का रिटर्न दिया है। टॉप सिमिलर म्यूचुअल फंड देख सकते हैं आप। कोटक गोल्ड फंड, SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, HDFC गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, IDFC, ICICI प्रूडेंशियल। तो देख सकते हैं आप, कोटक का भी एक साल में -3% का रिटर्न है, SBI का भी -3.4% का रिटर्न है, HDFC का भी -3.2% रिटर्न है एक साल में, और 3 साल में इन्होंने CAGR में 12% ऐसा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप म्यूचुअल फंड में भी लॉस कर सकते हैं, और लॉस हो रहा है बोल के आप शॉर्ट टर्म में ही पैसे आप रिडिम्पशन कर लेते, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर मार्केट में आइए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो ही आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा भी सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। तो आप सोच समझ के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो इनकी होल्डिंग कैसी है हम देखते हैं अभी। इक्विटी में इन्होंने 99.5% कंप्लीट इन्होंने इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया है, डेबिट में 0.6%, तो कुछ नहीं है, पूरा का पूरा इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही है। तो हम किस सेक्टर में कितना इन्होंने एलोकेट किया है देखते हैं। फाइनेंशियल में ही इन्होंने 100% एलोकेट कर दिए, 1,829 करोड़, और डेबिट सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया 10 करोड़ बस। और इनका एक्सपेंस रेशियो 1.43% है इंक्लूसिव GST, और एग्जिट लोड है 1% इफ रिडीम विथ इन 12 मंथ। अगर आप एक साल में आपका पैसा रिडम्पशन कर लेते हैं तो 1% ये एग्जिट लोड लेते हैं, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 1%। स्टैम्प ड्यूटी लगता है 0.005%, और इसके टैक्स इम्प्लीकेशन, रिटर्न आर टैक्स एज
पर योर इनकम टैक्स स्लैब इफ सोल्ड बिफोर 3 ईयर निग्लिजिबल टैक्स 20% विद इन इंडेक्सेशन बेनिफिट पोस्ट 3 ईयर। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके लिए टैक्स लगता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी फाइनेंशियल की चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ते रहिए, अपना नॉलेज गेन करते रहिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।